गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट इज वीडियो नंबर 15 ऑफ चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल क्लास 9। टुडे वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब तक की टोटल वीडियो नंबर 14 तक हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं, और उन सब सेल ऑर्गेनल्स को कंप्लीटली डिस्कस करने के बाद अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं इजीली। बेसिकली इस वीडियो में हमने जो अब तक 14 वीडियोस डिस्कस किए हैं उनके बेस को ही समराइज करना है। तो देखो, हमें पता है चाहे प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो, सबकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल। यानी सेल जो है फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो। अब बट क्योंकि प्लांट का जो लाइफ के वर्क फंक्शन होते हैं और एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके लाइफ के जो वर्क फंक्शन होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। एनिमल्स के वर्क फंक्शन कुछ और होते हैं, प्लांट्स के वर्क फंक्शन कुछ और होते हैं। जैसे प्लांट्स कभी भी मूवमेंट नहीं करते हैं, मूवमेंट मतलब वो एक ही जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं होते, वो एक ही जगह पर रहकर ग्रोथ करते हैं। एनिमल्स ग्रोथ भी करते हैं साथ में मूवमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो प्लांट्स जो है वो अपना खाना, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि एनिमल्स अपना खाना या फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ही गेन करते हैं। तो बेसिक डिफरेंसेस है। अगर उनके वर्क में डिफरेंस है तो उनके जो सेल है उनमें भी डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर दो टाइप के सेल यहाँ पर मेंशन है। आपको बस मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, वो ये कि इनमें से कौन सा एनिमल सेल है और कौन सा प्लांट सेल है। बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता रखा है, जब आउटर एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं एनिमल सेल। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये आपका किसका है? एनिमल सेल का है। और जब दो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं प्लांट सेल। तो ये जो सेल है ये किसकी है? प्लांट सेल की। आई होप अब आप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास दो स्ट्रक्चर बने हैं तो आप कैसे बताओगे एक एनिमल सेल और प्लांट सेल है? अगर एक ही आउटर मेम्ब्रेन हो तो वो एनिमल सेल होती है, और अगर दो आउटर मेम्ब्रेन हो तो उनको हम प्लांट सेल बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनिमल सेल को आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखो यहाँ पर एक आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है जिसको हम बोलते थे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मैं बोलता था जब भी आप सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करो तो आप एक बैलून को स्टडी करना जिसके अंदर वाटर फिल्ड हो। मीन वाटर फिल्ड बैलून इज लाइक अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? तो वो जो बैलून का सरफेस है वो एक हिसाब से सेल मेम्ब्रेन है, और उस बैलून के अंदर जो वाटर है वो एक हिसाब से साइटोप्लाज्म है। तो ये जो सेल प्लाज्मा ये मेम्ब्रेन होती थी ये लिविंग होती थी, है ना? ये हमने पढ़ा था लिविंग होती थी। और दूसरा ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती थी, मतलब अपनी मर्जी से एक्सटर्नल मटेरियल को सेल के अंदर जाने देती थी और सेल के कंटेंट को बाहर जाने देती थी एज पर नीड। ऐसे नहीं है कि बेवजह कुछ भी ट्रांसफर हो सकता था। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही होगी, ये गोल्जी अपरेटस आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है? तो गोल्जी अपरेटस आप पढ़ा भी था जब हमने गोल्जी अपरेटस को डिटेल में स्टडी किया था। उसके दो फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस न्यूक्लियस की साइड होता है और ट्रांस फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड होता है। ये आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस नजर आ रहा होगा, ठीक है? ये न्यूक्लियर एनवेलप नजर आ रही होगी। ये जो रेड कलर के मैंने डॉट बनाए हैं ये राइबोसोम है जो अटैच है न्यूक्लियर एनवेलप से, ठीक है? उसके बाद अगर बात की जाए तो ये आपको नजर आ रहा होगा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों स्मूथ बोला इसको? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। ये लाइसोसोम आपको नजर आ रहे होंगे, ये फ्री लाइसोसोम्स भी हैं, ठीक है? और अगर हम बात करें तो ये जो स्पेस है अंदर, ये जो लिक्विड फिल है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, वो क्या है? साइटोप्लाज्म। जो कहीं ना कहीं आपको मेंशन होगा ये रहा साइटोप्लाज्म, और ये कैसे कलर का होता है? येलो कलर का होता है। याद रखना सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स या लिक्विड या फ्लूइड फिल होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड या मैट्रिक्स या फ्लूइड फिल होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है? और भी यहां पर है, ये न्यूक्लियर एनवेलप नजर आ रहा होगा। ये जो है देखो ये है वैक्यूल। वैक्यूल मैंने आपको कंप्लीट डिस्कस किया था, वीडियोस चेक कीजिए। वैक्यूल के अंदर के पार्ट को बोलते हैं साप, और जो वैक्यूल की सरफेस बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट।
और ये दोनों मिलकर इनको क्या बोला जाता है, वैक्यूल्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको नजर आ रहा होगा, ये माइक्रोविली नजर आ रही होगी आपको। तो ये बहुत अच्छा एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है 4 या 5 मार्क्स में, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। तो डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन करना है और ये सब आपको उसके ऑर्गेनल्स के नाम मेंशन करने होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करें प्लांट सेल की। तो देखो ये जो बाउंड्री है, ये जो अंदर वाली बाउंड्री नजर आ रही है आपको, ये अंदर वाली बाउंड्री होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में इसके बाहर भी एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। एक बात और, जो ये सेल वॉल होती है ये डेड होती है, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मैंने अभी बताया था ये लिविंग होती है। ठीक है, और डिफरेंस की अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो सिलेक्टिवली परमिएबल थी, जबकि सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है। मतलब सेल वॉल ना तो किसी को रोकती है और ना ही किसी को परमिशन देती है, मतलब कुछ भी मटेरियल इस सेल वॉल से अंदर भी जा सकता है और बाहर भी जा सकता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ऐसा नहीं होता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये आपको नजर आ रहा होगा, देखो ये क्या है, वैक्यूल। सिमिलरली ये जो बाउंड्री है इसको बोलेंगे टोनोप्लास्ट, और जो इसके अंदर की मैट्रिक्स है जो फ्लूड है उसको बोलेंगे सैप। ठीक है, क्या बोलेंगे? सैप। और सैप और टोनोप्लास्ट मिलकर क्या बनाते हैं? वैक्यूल। और ये भी, ये एक बेसिक डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, देखो यहाँ वैक्यूल का साइज स्मॉल है, यहाँ वैक्यूल का साइज लार्ज है। कुछ मैच्योर प्लांट्स में वैक्यूल का साइज इतना ज्यादा हो जाता है कि उनको रहने के लिए फिर ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से वो न्यूक्लियस को सेंटर से खिसका देते हैं एक साइड में। तो देखो यहाँ पर न्यूक्लियस सेंटर में है, यहाँ पे वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड में शिफ्ट हो गया है। और भी यहाँ पे एक क्लोरोप्लास्ट आपको नजर आ रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में हमें क्लोरोफिल पड़ा था, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है। ये इसका साइटोप्लाज्म है, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म का कलर ग्रीन होता है और साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में येलो कलर का होता है। और भी आ रहे होंगे नजर आपको, ये न्यूक्लियस है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, क्रोमैटिन है, ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, और इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिमिलरली गोल्जी अपैरेटस भी आपको नजर आ रहा होगा और बहुत सारे इसमें सेल ऑर्गेनल्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो पेपर में डायरेक्टली 4 या 5 मार्क्स में आता है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल या फिर आएगा प्लांट सेल। तो ये आपके साथ सब मेंशन है, इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो मैं प्रीवियस वीडियो में कंप्लीटली डिस्क्राइब कर चुका हूं। अगर आपको किसी का वर्क फंक्शन समझना है तो प्रीवियस वीडियो उसको चेक कीजिए। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कॉपी में नोट करो, फिर मैं आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस भी लिखवा देता हूं। तो अभी हमने डायग्राम की हेल्प से प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखा जो क्लियरली आपको विजिबल था। अब हम टेबुलर फॉर्म में और सेंटेंसेस फॉर्म में लिख लेते हैं कि क्या एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस होता है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यहाँ पर प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो बना भी हुआ है, देखो सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। एक बात याद रखना, सेल वॉल जो होती है वो डेड होती है और फ्रीली परमिएबल होती है, फ्रीली परमिएबल होती है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में ये भी आ सकता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मे बी वो आपसे 2 डिफरेंसेस भी पूछ सकता है, 3 डिफरेंसेस भी पूछ सकता है, 4 और 5 भी पूछ सकता है। तो मैं जो यहाँ रेड से लिख रहा हूँ, रेड मार्कर से, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आपको सिंपली सेंटेंसेस फॉर्म में लिख के आने हैं जो मैंने ब्लैक मार्कर से यहाँ पर मेंशन किए हैं। और अगर डिफरेंसेस भी ना आए, सिंपली आपसे ये भी पूछा जा सकता है राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल या राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल। तो यहाँ पर मैंने 5 मार्क्स के हिसाब से इसको तैयार किया है। दूसरी बात, दूसरे अगर डिफरेंस की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक बात याद रखना, ये लिविंग होती है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब अपनी मर्जी से, अपनी परमिशन से एक्सटर्नल कंटेंट को, फॉरेन मटेरियल को सेल के अंदर आने की परमिशन देती है और अपनी ही मर्जी से सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाने की परमिशन देती है। नेक्स्ट अगर बात करें वैक्यूल्स की, तो देखो यहाँ पर वैक्यूल्स बना भी होगा,
वैक्यूल्स का साइज देखिए कितना लार्ज है, और इतना लार्ज हो गया है कि कभी कभी तो मच्योर प्लांट्स में इसका साइज इतना ज्यादा होता है कि ये 50-90% साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है उसको कवर कर लेता है, और इवन न्यूक्लियस को भी साइड में शिफ्ट कर देता है सेंटर से। तो वैक्यूल्स जो है प्लांट सेल में, मच्योर प्लांट्स है, परमानेंट होता है, एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सेंटर में होता है। वैसे तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बट प्लांट सेल के अंदर, मच्योर प्लांट सेल में ये इतना ज्यादा साइज हो जाता है वैक्यूल का कि ये सेंटर से न्यूक्लियस को शिफ्ट करके खुद सेंटर में आ जाता है। दूसरी बात, परमानेंट वर्ड का मीनिंग है कि ये हमेशा आपको मिलेगा, चाहे इसकी नीड है चाहे इसकी नीड नहीं है। वैक्यूल्स का काम बेसिकली कुछ स्टोर करने के काम आता है, और प्लांट सेल में ये सेल सैक को स्टोर करता था। उसके बाद बात करें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स का साइज स्मॉल होता है और टेम्परेरी होता है, मींस जब इनकी नीड होती है तो ये आ जाते हैं, बन जाते हैं, और जब इनकी नीड नहीं होती है तो ये डिसअपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो गोल्जी अपरेटस जो है वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, बट डिफरेंस ये होता है कि गोल्जी अपरेटस प्लांट सेल में डिस्टिंक्ट सब यूनिट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जिनको बोलते हैं डिक्टायोसोम्स। क्या बोलते हैं? डिक्टायोसोम्स। लेकिन जो गोल्जी अपरेटस एनिमल सेल में होता है वो प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट मीनिंग अगर आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो बिल्कुल आपको क्लियरली अलग विजिबल होगा। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो प्लास्टिड, जो प्लास्टिड होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में प्लास्टिड की नीड नहीं होती है। कई बार नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टिड प्लांट सेल में ही क्यों प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में क्यों प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसका रीजन ये होगा कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और एनिमल सेल अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है प्लांट सेल में, तो इसलिए प्लास्टिड की नीड होती है, बट एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसलिए वहां पे प्लास्टिड अब्सेंट रहती है। तो ये टेबुलर फॉर्म में हमने किया कंप्लीट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बस इसमें इस चैप्टर की एक लास्ट वीडियो और पेंडिंग है, वीडियो नंबर 16 जो नेक्स्ट होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।